सर मैं नसीम आरफ लोन मोहल्ले में रहता हूँ, पेशे से ड्राइवर हूँ, पेशेवर ड्राइवर हूँ, दिहाड़ीदार हूँ। सर मेरे हाथ में ये कट लगा है, इसमें स्टिचेस हैं। मैं यहाँ ड्रेसिंग के लिए आया, मैं डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब ने मुझे लिख के दे दिया कि आप जाओ माइनर ऑपरेशन थिएटर में, आप जाओ वहाँ आपकी ड्रेसिंग होगी। यहाँ इरफान नाम का लड़का मुझे दाढ़ा दिखाता है, तो जाजी तूने क्या करना। मैं सुपरिटेंडेंट साहब के पास गया, सुपरिटेंडेंट साहब ने भी आए बाहर तक आए, इसी को कुछ सैलाब बुलाकर बिठा दिया वहाँ पर। मैं ड्रेसिंग के बिना चल रहा हूँ, ये मेरे अगर 3 दिन से ज़्यादा इसको टाइम हो गया, इसमें कोई सी इन्फेक्शन होगी तो इसका जाती जिम्मेवार कौन है। ये हॉल है यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा का। क्या उम्मीद लेके आप यहाँ आए? मैं उम्मीद लेके यही आया था, मुझे ड्रेसिंग हो, मुझे आराम मिले, राहत मिले, सुकून मिले, तो यहाँ पे है। और उल्टा दाड़ा दिखाते मुझे, तो जाइए डीसी के पास, डीसी क्या करेगा, यही कि यहाँ पे ये कहते हैं सुपरिटेंडेंट साहब कहते हैं इसको दिमाग में फर्क है, फिर यहाँ क्यों रखा है, इसकी क्या जरूरत है यहाँ पे, इसको तो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर देना चाहिए। कल को ये किसी पेशेंट के साथ कोई उल्टा सीधा मेडिसिन इस्तेमाल करे तो फिर क्या हुआ, पूरा मामला बताइए। अभी हम ठीक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में हैं और आपको बताना चाहेंगे अभी यहाँ पे कुछ हंगामा देखने को मिला कुछ टाइम पहले। और आपको ये भी बताना चाहेंगे, एक शख्स जो है चिल्ला चिल्ला के ये बता रहा था मेरी ड्रेसिंग क्यों नहीं हो रही थी, और कुछ टाइम पहले उसको जो है एक चोट लगी थी और यहाँ पे वो आया था उस डॉक्टर के पास चेकअप कराने। जब आया डॉक्टर ने ये बताया कि उसको ड्रेसिंग करवानी है, उसके बाद जब वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आता है ड्रेसिंग करवाने, उसके बाद उसको ये बताया जाता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, जो शख्स वहाँ पे ड्रेसिंग करने वाला है। तो कहीं ना कहीं इसमें पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की है उस पर सवाल कहीं ना कहीं उठ रहे थे। और हमने देखा कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट हैं उनसे जब बातचीत हुई, उनका यही कहना है कि जिस शख्स ने इस तरह की लैंग्वेज वहाँ पर यूज़ की है या इस तरह का जो बताया है कि आपको कुछ टाइम लगेगा, उस पर कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। जिस तरह से उन्होंने पुलिस को भी बताया है कि उसको अरेस्ट किया जाए, सवाल यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पे उठ रहे हैं कि ऐसे लोगों को क्यों गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर काम करने के लिए रखा है, अगर आपको पता है वो इस तरह की हरकतें करते हैं। और कुछ लोगों से जब हमने पहले बातचीत की थी, इसी तरह का मामला जो है कुछ टाइम पहले भी सामने निकल के आया था। आए दिन जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है सुर्खियों में नज़र आ रहा है, उम्मीद यही करेंगे कि इसमें बदलाव हो। यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो यहाँ का विजिट लगातार रेगुलर बेसिस पे करें, ताकि इसमें कहीं ना कहीं जो है जो अलग अलग इलाकों से लोग आते हैं काफी सारी उम्मीदें लेके, वो यहां से जो है निराश होकर ना जाएं और उनका इलाज जो है प्रॉपर तरीके से हो। गुलिस्तान न्यूज के लिए वसीम गत्तू डोडा।